और भैया क्या हाल है, ठीक हैं? यहाँ कैसे? सोचे आज एक रिपोर्ट बना लें। अमूमन बिहारी लैंग्वेज या इस अंदाज में बात करने का ज़्यादातर लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर बिहारी कम्युनिटी की बात की जाए तो आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से बिहारी कम्युनिटी का किरदार काफ़ी अहम है। आज़ादी पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए बिहारी कम्युनिटी ने दो हिजरतें की। एक जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अपना वेल सेटल्ड कारोबार घर सब छोड़कर मशरिक़ पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। फिर जब वो बांग्लादेश बना तो फिर बिहारी कम्युनिटी ने एक बार फिर पाकिस्तान से मोहब्बत का कुछ इस तरह इजहार किया, अपना वेल सेटल्ड कारोबार घर फिर एक बार फिर पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। फिर बिहारी कम्युनिटी पाकिस्तान आई, लेकिन आज भी शायद बिहारी कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया जाता है। बिहारी कम्युनिटी के काफ़ी मसाइल हैं जिनको सुना नहीं जाता। आपको इस तफसीली वीडियो में बिहारी कम्युनिटी के बारे में बता दें। देखिए, बिहारी कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है वो इस वक्त है शनाख्ती कार्ड का। जब आपका शनाख्ती कार्ड ही नहीं होगा तो आप दीगर तमाम जो आपके मामलात हैं आप उनसे महरूम हो जाएंगे। मतलब आप जब मुल्क के शहरी नहीं हुए तो आपकी बैंक ट्रांजैक्शन, आपकी जॉब, आपकी तालीम और आप कुछ भी नहीं, बिज़नेस भी आप नहीं कर सकते। तो हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला जो है वो शनाख्ती कार्ड का है। बदकिस्मती यह है कि हमने इस वतन को बनाने के लिए जहाँ 47 से पहले हमने बड़ी जद्दोजहद की, जहाँ हमने अंग्रेज़ साम्राज्य का मुकाबला किया, वहाँ हमने इंडियन पॉलिटिक्स को भी काउंटर करते हुए 47 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद जब 71 में मुल्क दोलख्त हुआ तो हमने वहाँ पर जो है वो मुख्ती बाहिनी और दीगर जितने भी उसमें ममालिक के अफवाज मौजूद थे उनका भी सामना किया। मगर बदकिस्मती यह है आज भी हम अपने शनाख्त से महरूम, शनाख्ती कार्ड के लाइन में लगकर जब हम नादरा के दफ्तर के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर बैठा हुआ कोई क्लर्क या कोई सीनियर या जूनियर क्लर्क हमसे कहता है कि आप हमें सबूत पेश करें अपने पाकिस्तानी होने का। तो मैं ये सवाल करता हूँ आपके इस डॉक्यूमेंट्री के तवस्सुत से कि क्या वो दो हिजरतें मुँह बोलता सबूत नहीं है हमारे उन मसाइल का? दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो तालीम के हवाले से है कि हमारे बच्चे औरंगी टाउन के अंदर सरकारी जामियात की कमी होने की वजह से, आप देखें लियारी के अंदर जो है वो कॉलेजेस भी मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी भी है, मगर औरंगी टाउन में अब तक कोई इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड या वेल नोन इदारा ऐसा मौजूद नहीं है, ख्वाह वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का इदारा हो, जिससे हमारे बच्चे जो है फैज़याब हो सकें। इंजीनियरिंग या मेडिकल या बिज़नेस इंस्टीट्यूट हमारे पास मौजूद नहीं है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास मसला ये है कि हमें मरदमशुमारी में गिना ही नहीं जाता है। औरंगी टाउन इतनी बड़ी आबादी, यहाँ पे आप देख लें लोग, अब तो मेरे ख्याल में तो मेरे पास तो मुकम्मल फैक्शन फिगर्स नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि 50 लाख से ज़ायद की आबादी है। मगर क्या वजह है कि 50 लाख से ज़ायद की आबादी में कौमी असम्बली की एक सीट है और सूबाई असम्बली की तीन सीट है? एक 42-47 का हल्का लगता है गुलशन बिहार के पीछे से, मगर वो गिनती में नहीं आता है। तो हमें मरदमशुमारी में जब गिना नहीं जाता है, जब हमें वो बजट का हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो हमारे मसाइल किस तरह से हल होंगे? बिहारी कम्युनिटी की दो हिजरतों के हवाले से बातें करना या सुनना शायद हमें आसान लगता है, लेकिन जिन्होंने दो हिजरतें की हैं आइए उनसे जानते हैं। मैं देहात का रहने वाला हूँ, कुछ ज़मीनें थी जो खेती बाड़ी होती थी और मेरे वालदैन कलकत्ता में थे, वो लोग वहाँ पर अपना कारोबार थोड़ा कुछ फैलाए हुए थे और सर्विस भी करते थे वो लोग, लेकिन हालात जब ऐसे बिगड़ी तो हम वहाँ से छोड़ करके किसी तरह से बड़ी मुश्किल से और ईस्ट पाकिस्तान पहुँचे ढाका। जो कुछ थी वहाँ पर सब कुछ, ज़मीन जायदाद मकान सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ अपना बदन में जो कपड़ा था सिर्फ उसी को लेकर के आना पड़ा, सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ नहीं। लेकिन आज भी बिहारी कम्युनिटी के लिए कोई किसी की हमारी मदद नहीं हुई, हमारे ऊपर कोई हुकूमत का कोई तवज्जो ही नहीं है अभी तक। जो हम लोग, हमारे लड़के वहाँ पर सीएफ में थे, हज़ारों हज़ार लड़के हमारे शहीद हुए फौज के साथ वहाँ पर, लेकिन यहाँ आने के बाद में ना उनकी मुलाजमत मिली ना किसी किस्म की उनकी मदद मिली।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में बिहारी कम्युनिटी की 30 से 35 लाख की आबादी है। इन 30 से 35 लाख की आबादी में काफ़ी छिपे हुए टैलेंट भी मौजूद हैं, शायद जिनका हमें पता नहीं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। देखिए, जहाँ तक बात टैलेंट की है तो औरंगी टाउन के हर गली में आपको एक लीडर मिल जाएगा, औरंगी टाउन के हर घर में आपको एक अच्छा जिम्मेदार, एक अच्छा मैनेजर मिल जाएगा। तो टैलेंट की जहाँ तक बात करें तो हमारे यहाँ टैलेंट कूट कूट के बच्चों में भरा हुआ है। हाँ, एक मसला रुझान का है कि टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे बच्चों को सही एप्टीट्यूड, वो सही रुझान, सही विजन नहीं बना पाते, अपना गोल सेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से शायद हम आज परेशानी का सामना कर रहे हों। और इसके अगर हम दूसरी तरफ देखें तस्वीर का दूसरा रुख, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरंगी टाउन में ही रहते थे और अब वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की पोस्ट पर मौजूद हैं। और हमारी भी यही कोशिश है कि हम उन तमाम टैलेंट्स को सॉर्ट आउट करें और उनको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करें, ताकि औरंगी का बच्चा जब आगे जाए तो दर हकीकत ये पाकिस्तान ही की तरक्की का सबब बनेंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, जिसकी अभी बहुत ज़रूरत भी है। दो हिजरतों का सफ़र तय करके आया हूँ, इस वतन के खातिर मैं अपना सब कुछ छोड़ आया हूँ। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहें मैं। धन्यवाद।